जनपद बागपत में कलियुग के बाप द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दो पुत्रों पर मामूली विवाद के चलते हमला बोल दिया, जिसमें दोनों युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र ग्राम साकरौंद का है, जहां एक बाप ने अपने दो पुत्रों पर मामूली विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें जोगिंदर और शोभित गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पर आरोपी मकान में लगे कैमरे में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने दोनों घायलों को बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने उन्हें गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित शोभित का कहना है कि उनके पिता रंजिश के तहत उन पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन कई बार भी पहले भी पुलिस से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने के चलते उन पर अब जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।